अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करेंगे स्नैपसीड ऐप की मदद से। मेरा नाम है फिदा हुसैन और आप देख रहे हैं FHB Edits यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पिक्चर स्नैपसीड ऐप में ऐड कर लेनी है, तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे विंटेज टूल इस्तेमाल करना है। विंटेज पे ये 12 नंबर का कलर इस्तेमाल करना है। सैचुरेशन कम करनी है, ब्राइटनेस हल्की सी कम करनी है, कलर स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा देना है, स्टाइल स्ट्रेंथ, विग्नेट स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा देना है और राइट डन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये तीर का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू एडिट्स पे जाना है, फिर विंटेज पे जाना है, यहाँ पेंसिल के आइकन पे दबाना है, फिर इन्वर्ट कर देना है यहाँ कोने में, यहाँ ज़ीरो करके स्क्रीन में से हटा देना है इसको। तो जल्दी से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे राइट डन कर देना है, फिर पेंसिल के आइकन पे जाना है, यहाँ कर्व्स टूल इस्तेमाल करना है। कर्व्स पे जाके यहाँ चैनल पे क्लिक करना है, यहाँ ब्लू सेलेक्ट करना है, ब्लू कलर को बढ़ा देना है। फिर यहाँ से रेड पे जाके रेड को कम कर देना है। इसी तरह फिर ग्रीन को भी कम कर देना है थोड़ा सा। फिर RGB को भी थोड़ा सा बढ़ा देना, राइट डन कर देना है। फिर तीर के आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर यहाँ व्यू एड्रेस में जाना है, कर्व्स पे पेंसिल के आइकन पे, फिर स्क्रीन में से हटा देना इसको। तो जल्दी से हटा देता हूँ मैं फिर से। तो राइट डन कर देना है, फिर बैक जाना है पीछे, फिर पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके सेलेक्टिव टूल इस्तेमाल करना है, सेलेक्टिव। फिर यहाँ पे स्क्रीन पे हमें यहाँ पे इस तरह करके छोड़ देना है इसको। फिर ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा के सैचुरेशन कम करनी है हल्की सी, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद राइट डन करना है, फिर पेंसिल के आइकन पे जाना होगा हमें, फिर ब्रश के आइकन पे जाना है, यहाँ सेचुरेशन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे होठों पे थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ा देनी है ताकि अच्छा लगे। बाद राइट डन कर देना है इसको। पेंसिल के आइकन पे दबाना है, फिर पोर्ट्रेट टूल इस्तेमाल करना है, यहाँ पे स्मूथ वन सेलेक्ट करना है, फेस स्पॉटलाइट बढ़ा देना है थोड़ा सा, और स्किन स्मूथिंग थोड़ा सा बढ़ा देना, राइट डन करना है। उसके बाद पेंसिल के आइकन पे जाना है, फिर डबल एक्सपोजर पे जाना है,
ये PNG आपको ऐड करना है, ये PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वाले PNG मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके फिर इसको ऐड पे सेट कर देना है। राइट डन करके तीर के आइकन में जाके व्यू एडिट्स में जाना है, फिर डबल एक्सपोजर पेंसिल के आइकन में दबा के इन्वर्ट करना है, फिर यहाँ बॉडी में से इसको इरेज कर देना है। तो जल्दी से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। के बाद राइट डन करके पीछे जाना है, दोबारा पेंसिल के आइकन में जाना है, दोबारा डबल एक्सपोजर, फिर एक और PNG ऐड करना है यहाँ पे, ये वाला, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करके यहाँ ब्लाइंडिंग मोड पे ब्लाइंडिंग मोड जो है ऐड कर देना है, फिर राइट डन कर देना है। के बाद आपकी पिक्चर हो गई तैयार। तो इसको अभी शेयर करना होगा, शेयर करेंगे आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी।